अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में तूफान और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। कहीं बाढ़ की वजह से पूरे पूरे घर डूब गए तो कहीं पूरे शहर तालाब नजर आ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोगों को इन इलाकों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में ना तो सड़कें दिखाई दे रही हैं और ना ही बिजली है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी है। अरकनसास शहर को तो पूरी तरह से ही खाली करवा लिया गया है, क्योंकि यहाँ नदियां भी उफान पर हैं। वहीं अमेरिका के मिसूरी राज्य में भी बाढ़ ने जबरदस्त कहर बरपाया है। बाढ़ के पानी में घर, फैक्ट्री, दफ्तर, सड़कें सब डूबा हुआ है। यही नहीं, मिसौरी के कैंसस सिटी के हवाई अड्डा भी पानी में डूबा है। दरअसल अमेरिका के दक्षिण राज्यों में पिछले दो हफ्तों से तूफान और भारी बारिश का कहर जारी है। इस भयानक आपदा का सबसे ज्यादा असर लुइसियाना, टेक्सास और मिसिसिपी में देखा जा रहा है। बाढ़ की वजह से यहां ना सिर्फ करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है, जबकि 16 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। साथ ही लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बारिश और बाढ़ ने यहाँ इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है कि कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है।